ये जो फ्री की खाद आपके किचन में मौजूद है, अगर आप इस खाद का यूज़ आपके अपराजिता के पौधे पर करते हैं तो यकीन माने आपका अपराजिता पूरा फूलों से भरा रहेगा, लगातार उसमें कलियां बनती रहेंगी और पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तो ये क्या खाद है, कैसे देना है, सब कुछ इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वॉचिंग माई न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, ये अपराजिता का पौधा है जिसे बहुत सारे नामों से जानते हैं, ब्लू पी फ्लावर्स, अपराजिता, शंख पुष्पी और भी कई सारे नाम होते हैं जिनसे आप इनको जानते हैं। इनके बहुत सारे 3 या 4 कलर्स आते हैं नर्सरी में, तो आपको ये सिंगल पेटल में भी मिलेगा और डबल पेटल। सिंगल पेटल मतलब क्या कि आपका जो इसका फ्लावर है, कुछ फ्लावर्स आपको एक एक पत्तियों वाले लेयर में दिखेगा और यही फ्लावर्स डबल पेटल में क्या होता है कि मल्टी पेटल फ्लावर्स खिलता है, कई सारी उसमें परतें होती हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको देख के ले सकते हैं। नर्सरी में आपको ये 30 से 40 रुपए का मिलेगा। बहुत हार्डी प्लांट होता है, परमानेंट होता है और अगर आप एक बार इसको ले आते हैं तो ये फिर साल के सालों आपके गार्डन में बना रहता है, जल्दी ये पौधा जाता नहीं है। अपराजिता बेसिकली फ्रेंड्स समर ग्रोइंग प्लांट है, गर्मी के टाइम में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है, पौधा पूरा हरा भरा रहता है। लेकिन जब मई जून 2 महीना बहुत भीषण गर्मी पड़ती है तो उस टाइम में बहुत से लोगों का अपराजिता ख़राब होने लगता है। और उसके अलावा आपका इधर दिसंबर और जनवरी, जब 2 महीना इधर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तब भी ये प्लांट अपनी पत्तियों को गिराने लगता है। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसे आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि आप अभी इनसे हैवी फ्लावर्स कैसे ले सकते हैं प्लांट के डोरमेंसी में जाने से पहले। सबसे पहली चीज़ तो ये बात करते हैं फ्रेंड्स, सनलाइट। अपराजिता का पौधा ऐसा पौधा है कि इसको सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट नहीं दी, देखिए तो इसमें पत्तियां बहुत आएंगी लेकिन फूल आना कम हो जाएगा। तो 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह में रखिए। अभी बेसिकली अपराजिता आपका एक बेल नुमा यानी वाइन वाला प्लांट होता है, तो ये इनकी वाइन 5-5, 6-6 मीटर लंबी चली जाती हैं। तो अगर आपने गमलों में लगा के रखा है, गमले में लगे अपराजिता को टाइम टाइम पे आपको कट करते रहना होता है। मैं यहाँ आपको वही दिखा रही हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने जहाँ जहाँ से भी कट किया था उसका रिज़ल्ट आपको दिखा रही हूँ। हर जगह से 2 से 3 नई नई ब्रांच आ गई है और हर एक जगह पौधे में कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो जितनी अच्छे से आप पौधे की कटाई छटाई करते हैं, वाइन है तो इसको एक शेप मेंटेन करके ज़रूर रखें गमले में, बहुत लंबी ना जाने दें। और एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जब आप किसी भी स्टिक की हेल्प से एक सपोर्ट लगा दीजिए जिससे कि पौधा ऊपर की तरफ आसानी से बढ़ता रहे। अब बात करती हूँ फ्रेंड्स कि इनकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब पानी आपको किस तरह से देना है। देखिए अपराजिता का जो पौधा होता है फ्रेंड्स, सभी पौधे की तरह इसको भी बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी पसंद नहीं होती। जब भी आप वाटरिंग कर रहे हैं मिट्टी में हल्का सा एक मॉइस्चर होना चाहिए, आप उस टाइम पे पौधे में वाटरिंग कर सकते हैं। इनका जो सॉइल मिक्स है वो बहुत वेल ड्रेन आप बनाइए जिसमें आप वाटरिंग करें और थोड़े टाइम में पानी निकल जाना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। ख़ास करके अब जो ये विंटर आ रहा है, विंटर में पानी का ख़ास ध्यान रखिएगा, क्योंकि जाड़े में होता क्या है फ्रेंड्स, धूप इतनी अच्छी निकलती नहीं है जिस वजह से पौधे की मिट्टी प्रॉपर सूख नहीं पाती। और गीली मिट्टी में जब आप लगातार पानी देते रहते तो जड़ों में फंगस लग जाती और जड़ें खराब होने लगती। यहाँ पे देखिए, एक काम आप डेली बेसिस पे करिए या 1-2 दिन छोड़ के करिए, पौधे में जब इस तरह से इनके फूल सूख जाए ना तो सूखे हुए फूलों को आप ज़रूर कट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इनको लगा रहने देंगे तो फिर ये
फलियां यानी अपना बीज बनाने का काम शुरू कर देते हैं। कोई भी पौधा जब बीज बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करता है, देखिए जैसे ये, मैं तो वैसे सबको पिंच करके निकाल देती हूँ, लेकिन समटाइम्स कुछ अंदर रहते हैं तो नहीं नज़र पड़ती। तो अगर आप ये सूखे हुए फूलों को टाइमली कट नहीं करेंगे तो पौधा ये इस तरह से बीज बनाने लगता है, और जब पौधा एक बार बीज बनाना स्टार्ट कर देता है तो फिर वो फ्लावरिंग रोक देता है। तो मुझे अभी अपने पौधे से सिर्फ फूल चाहिए, बीज नहीं चाहिए, इसलिए जो भी ये फलियां बन रही है ना, इनको मैं रिमूव कर दे रही हूँ। और भी आप पत्तियां इस तरह से हटा हटा के देखेंगे तो अभी मुझे एक और मिलेगी फली। ये देखिए, इस तरह की अगर पौधे में एक से ज़्यादा फलियां बनने लगती तो पौधा फिर फ्लावरिंग कम कर देता है और बीज बनाना मेन फोकस। इसके अंदर इनकी ब्लैक कलर की सीड्स होती हैं, जब ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं, जब ये पूरा ब्राउन हो जाए तो फिर इनकी बीज पक जाती हैं और ये टाइमली अपने आप टूट के गमलों में गिरती रहती हैं, जिससे नए नए प्लांट इनके फ्री में बनते रहते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आप उन बीजों को कलेक्ट कर लीजिए और आप जब आपको उगाना हो नया प्लांट आप लगा दीजिए, प्लांट ईजली निकल आता है। ये तो हो गई फ्रेंड्स इनकी धूप की पानी की, बहुत हार्डी प्लांट होता है, जल्दी इस पर किसी इंसेक्ट का अटैक नहीं लगता। बट समटाइम्स आपके पौधे में स्पाइडर माइट्स और एक जो स्लग्स वगैरह होते हैं वो इनकी मिट्टी में लग जाते हैं, समटाइम्स निमिटोड वगैरह। तो आप अपने पौधे को अच्छे से चेक करते रहें। जब पौधा आपका हेल्दी रहेगा, नीचे नीचे की हमेशा ब्रांचेस कट करते रहा करें कि जिससे पौधे की जो मिट्टी है उसमें प्रॉपर सनलाइट पड़ती रहे। जब मिट्टी में अच्छी धूप लगेगी, ऐसा नहीं करना है कि पौधे के ऊपर तो खूब धूप लग रही है लेकिन उसकी मिट्टी में ही धूप ना लगे। मेन काम होता है कि पौधे की मिट्टी में धूप लगना चाहिए। आजकल देखिए फ्रेंड्स, विंटर गार्डन की तैयारी शुरू कर दी है मैंने, गमलों को पेंट करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए अपराजिता का भी गमला मैंने पेंट किया, और पेंट होने से गमलों में एक नई जान आ जाती है, बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो आपने भी अगर अभी तक पेंट वगैरह स्टार्ट नहीं किया तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। इनकी मिट्टी में किसी किस्म की कोई सूखी पत्तियाँ ये सब कुछ अगर हैं तो आप उनको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आप 10 दिन में एक बार पौधे की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करते टाइम में ये ध्यान रखना होता है कि जब आपकी मिट्टी गीली हो, मतलब आपने जैसे अभी पानी दिया उसके बाद गुड़ाई कभी ना करें, क्योंकि उससे जड़ें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। जब मिट्टी इस तरह से सूखी हो तो गुड़ाई हमेशा लाइट हैंड से करते हैं, और जो प्लांट का मेन ब्रांच होती है उससे दूर पर करते हैं, यानी रिम के कॉर्नर कॉर्नर पर इस तरह से। और मिट्टी देखिए इस तरह से सूखी, जब भी खाद दे रहे हैं आप तो एक दिन पहले गुड़ाई करके छोड़ दीजिए, 2-4-6 घंटे की अच्छी धूप लग जाए उसके बाद फिर आप उसमें खाद डालेंगे। रूट्स में हवा जाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट आपकी एक संपूर्ण खाद होती है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम सब कुछ पाया जाता है। मतलब जिस भी पौधे में फूल नहीं खिल रहा है, अगर आप ये वर्मी कंपोस्ट डालेंगे 2-3 बार के यूज़ में ही आपको फ़र्क समझ में आएगा, पौधे में कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप गोबर की खाद में नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है तो उससे लीफी ग्रोथ ज़्यादा होगी। आप चाहें तो अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी को ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए ये देखिए सी वीड ग्रैन्यूल्स हैं, जिसे जाइम बोलते हैं। हमारे यहाँ नर्सरी में, नर्सरी क्या फ्रेंड्स, जो खाद बीज भंडार की दुकान होती है वहाँ पे ये 50 रुपीज़ पर केजी मिलता है। इसका एक लिक्विड भी आता है और इस तरह से ग्रैन्यूल्स भी आते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर है तो डाल दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका मिलेगा। मिट्टी इसमें 72 टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। समटाइम्स पौधे की रिक्वायरमेंट सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। उसके
बाद देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका थोड़ा सा हाफ टी स्पून के करीब, ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है जिसे सरसों की खली का पाउडर बोलते हैं। ये 20 से 25 रुपए किलो में आपको मिल जाएगा, जहाँ भी गाय भैंस का खाना मिलता है, चारा उनका मिलता है, वहाँ पे आपको 30 रुपए तक हमारे यहाँ इसका प्राइस है। एक बार एक किलो ले आएंगे तो 3-4 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। आधा चम्मच मैंने ये डाल दिया है। अब इसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप सरसों जो येलो वाली होती है उसको पीस के पाउडर बना लीजिए, जो किचन में यूज़ करते हैं हम लोग। हाफ टी स्पून के करीब आप ये सरसों केक का की जगह सरसों का यूज़ कर सकते हैं, मस्टर्ड सीड्स का। उसके बाद ये तीनों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, क्योंकि सरसों खली में बहुत सारे पोषक तत्व लाइक माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं और एनपीके भी पाया जाता है, तो पौधे में फूल लेने के लिए बहुत ज़रूरी। ख़ास ख्याल रखें, बहुत गर्म खाद होती है, अगर आप लिक्विड दे रहे हैं तो 4 से 5 दिन में उसको अच्छे से आप पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाए, वो फर्मेंट हो जाए, उसके बाद 10 गुना पानी मिला के देना है। लेकिन मैंने पाउडर लिया है तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स के पौधे में ज़्यादा फूल लेने के लिए पोटेशियम चाहिए होता है, और पोटेशियम के लिए जैसे मैंने हमेशा बोला है, मैं ज़्यादातर ये बनाना पील्स का यूज़ करती हूँ। 4-5 केले के छिलकों को देखिए इस तरह से 2 लीटर वाली बॉटल में मैंने कट करके डाल दिया है, और बस 1 कप तक इसका पानी ले लेंगे। ये बहुत हैवी क्वांटिटी में इसमें पोटेशियम होता है, जो कि पौधों की पत्तियों में भी चमक लाती है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको भी फास्ट करती है। तो फ्री की खाद है, ज़रूर यूज़ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 1 कप तक खाद में कम से कम 5 से 7 गुना सादा पानी मिला लीजिएगा। मेरा ये छोटा है, अभी मैं डायरेक्ट और अप्लाई करूँगी, और उसके बाद फिर आप ये मिट्टी सूखी होनी चाहिए, जब भी लिक्विड खाद दे रहे हैं तो सूखी मिट्टी में देंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। गीली मिट्टी में देंगे तो पौधे की जड़ें उस खाद को एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगी। बस इस तरह से ये खाद डाल दी, और थोड़ा सा देखिए 2 से 3 इस तरह से थोड़ा पानी मैं और ऐड कर दूंगी। बस ये खाद आप बाकी सारी सॉलिड खाद 2 महीने में एक बार दें, और बनाना पील आप हर 10 से 15 दिन में रिपीट करते रहें, फिर देखें आपके यहाँ कितने अच्छे से थोड़े ही टाइम में 2 से 3 दिन में ही पौधे में ढेरों ढेर कलियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।